नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपका अपनी YouTube चैनल में। दोस्तों आपके लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई सूचना। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे जो राजस्थान में आने वाली जो नई भर्तियां हैं उनसे रिलेटेड न्यूज है इसमें। तो जो जो भर्ती हैं जिनके अभ्यर्थी RPSC और RSMSSB जो बोर्ड है उसको जो मिली हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट के क्या क्या पोस्ट हैं, कितनी कितनी वैकेंसीज टोटल हैं, उन सब के बारे में इसमें डिटेल से जानकारी बताएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पर RPSC की, तो यहाँ पे देख सकते हैं खुशखबरी, नौ विभाग में 1465 पदों पर भर्ती के लिए RPSC को अभ्यर्थनाएं भेजी। तो यहाँ पे देख सकते हैं नौ विभाग हैं जिनमें 1465 पदों के लिए भर्ती होनी है, RPSC को इसकी अभ्यर्थना मिल चुकी है। कॉलेज में सहायक आचार्य 830 और चिकित्सा विभाग में 269 पदों पर भर्तियाँ होंगी। तो इस न्यूज़ को हम यहाँ पे डिटेल से भी जूम करके देखते हैं। नई भर्तियों का इंतजार कर रहे बेरोजगारों के लिए राहत की खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग जल्दी कुछ विभागों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है। आयोग के पास नौ विभाग में ने 1465 पदों पर भर्ती की अभ्यर्थना भिजवाई है। इनमें सबसे अधिक जो भर्ती है कॉलेज शिक्षा विभाग में हो सकती हैं। इस विभाग में अलग अलग विषयों की सहायक आचार्य 830 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो देख सकते हैं सहायक आचार्य 830 पदों पर भर्ती होगी। दूसरा नंबर चिकित्सा शिक्षा विभाग का है, इसमें 269 पदों पर भर्ती शुरू हो सकती है। फिलहाल आयोग इन अभ्यर्थनाओं को परीक्षण कर रहा है, इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। बेरोजगारी साल नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, अब तक कोई भी बड़ी भर्ती शुरू नहीं हुई है। पहले लोकसभा चुनाव कारण भर्तियां अटक रही थी और इसके बाद EWS और MBS आरक्षण के चलते प्रकृति दिन भर्तियां ही पूरी नहीं हो पा रही थी। ऐसे में नई भर्तियां भी शुरू नहीं हुई। अब आयोग से पूछा गया कि उसके पास किस विभाग में कितने पदों पर भर्ती की अभ्यर्थना पहुँच चुकी है, तो आयोग ने यह बताने से तो इनकार कर दिया है कि भर्तियाँ कब से शुरू होंगी। यहाँ पर देख सकते हैं आयोग ने यह तो बताने से इनकार किया कब से शुरू होंगी, लेकिन इतना ज़रूर बताया कि किस विभाग से कितने पदों पर भर्ती के अभ्यर्थन उनके पास आ चुकी है। अब सेवा नियम और आरक्षण के प्रावधानों के आधार पर आयोग इन अभ्यर्थनाओं का परीक्षण कर रहा है, इसमें खामी पाई जाती है तो आयोग जो है वो अभ्यर्थनाओं को संशोधन के लिए वापस भिजवा देता है। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है कौन कौन से डिपार्टमेंट में जो भर्ती होंगी और किस किस पोस्ट के लिए भर्ती होने वाली, ये सब दे रखी हैं। कॉलेज शिक्षा में सहायक आचार्य के जो खाली पद यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट, चित्रकला के 10 पद हैं, अर्थशास्त्र के 47 हैं, अंग्रेजी के 55, भूगोल के 48, हिंदी के 66 हैं, इतिहास के 50 हैं, संगीत कंठ के 3 हैं, राजनीति विज्ञान के 57, लोक प्रशासन के 6, संस्कृत के 39, समाजशास्त्र में 42, रसायन शास्त्र में 40, भौतिक विज्ञान में 35, प्राणी शास्त्र में 30, वनस्पति शास्त्र में 33, गणित में 34, कृषि कीट में 1, ABST 82, EAFM में 56, TNP में 001, उर्दू में 5 और विधि में 8, गृह विज्ञान में 13, व्यवसाय प्रशासन उसमें 55 है, दर्शन शास्त्र में 2 हैं, भूगर्भ शास्त्र में 8, पंजाबी में 2, नृत्य और तबला में 1-1 पद के लिए खाली पद हैं। और जो विभाग हैं कौन कौन से विभागों में भर्तियाँ होनी है यहाँ पर देख सकते हैं, जो कॉलेज शिक्षा विभाग है उसमें 830 पदों पर होगी, चिकित्सा विभाग में 269 पदों पर होगी, कृषि विभाग में 57 पदों पर, आयुर्वेद विभाग में 33 पदों पर, भाषा और जो पुस्तकालय उसमें 12 पदों पर, संस्कृत शिक्षा में 100 पदों पर, विधि विभाग में 156, ऊर्जा विभाग में 3 और PWD में 5। इस प्रकार टोटल 1465 पद हैं उन पर भर्ती होगी। तो ये जो भर्तियां करवाएगा वो सारा RPSC करवाएगा। RPSC उनके लिए अभ्यर्थना मिल चुकी है, उनकी पूरी जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद में आरक्षण का जो वर्गीकरण, सीटों का वर्गीकरण अगर सही पाया गया है तो वो जल्दी इनके लिए फिर नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। जो एडवर्टाइजमेंट विज्ञप्ति जो निकालेंगे वो भी हम सबसे पहले आपको बताएंगे, जैसे ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा वो भी आपको सबसे पहले दिखाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं जो राजस्थान जो फॉरेस्ट वन रक्षक है और फॉरेस्ट के 87 पदों पर जो भर्ती की प्रक्रिया है वो 6 माह में पूरी करे, ये जो न्यूज है ये देख सकते हैं आप। तो राजस्थान में वन विभाग में कुछ पद हैं जिनके लिए भर्ती होने वाली है, उनके बारे में हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो देख सकते हैं ये रणथंभौर में पर्यटन का कितना दबाव, कितनी समस्याएं, कोर्ट ने जवाब मांगा था उसमें बताया गया है। RPSC ACF 99 और रेंजर ग्रेड फर्स्ट के 105 पर पदों की भर्ती करे, तो RPSC जो भर्ती करेगी वो तो करेगी ACF और जो रेंजर होता है ग्रेड फर्स्ट का उसके पदों पर भर्ती करेगी। उसी के साथ अगर बात करें RSMSSB बोर्ड की, तो वो जो भर्ती करता है वो वन रक्षक के 1041, फॉरेस्टर के 87 पदों की भर्ती प्रक्रिया 6 माह के अंदर पूरी करे, कोर्ट ने ये कार्रवाई की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अदालत ने कहा है कि RPSC ACF के 99 वरेंजर ग्रेड फर्स्ट के 105 पदों पर भर्ती करें। अगर बात करें कर्मचारी सेवा चयन बोर्ड के, तो वन रक्षक के 1041 पदों पर भर्ती होगी, फॉरेस्टर के 87, ड्राइवर के 99 और सर्वेयर के 43 पदों पर की भर्ती 6 माह में पूरी करें। अदालत ने कहा है वित्त मंत्री ने 29 फरवरी 2018 को STPF की घोषणा की थी, फिर भी 108 STPF की बजाय 75 कांस्टेबल और 1 ASI है,
इसके अलावा एसटीएफ के तहत बॉर्डर होमगार्ड से 32 और सरिस्क टाइगर रिजर्व में 108 पदों को भरा जाए। इसके अलावा रणथंबोर में एसटीएफ के तहत बॉर्डर होमगार्ड से 32 और सरिस्क टाइगर रिजर्व में 108 पदों को भरने, एनटीसी राज्य सरकार मुकुंदरा हिल्स के लिए एमओयू कर 108 बॉर्डर होमगार्ड लगाने और एसटीएफ के बजाय बजटीय जो व्यवस्था के लिए एनटीसी के संपर्क किया जाए। तो इन पदों पर जो भर्ती करेगा वो आरएसएमएसएस भी करेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आरपीएससी जो करेगा वो तो एसीए एफ के पद और रेंजर ग्रेड फर्स्ट के पदों पर भर्ती करेगा, जो 99 पदों के लिए और 105 पदों। अगर कर्मचारी चयन सेवा चयन बोर्ड आरएसएमएसएस भी बोर्ड की बात करें तो 1041 जो फॉरेस्ट होते हैं वन रक्षक उनके पदों पर होगी, वन रक्षक 1041, फॉरेस्टर के 87, ड्राइवर के 99 और सर्वेयर के 43 पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया 6 महीने के अंदर अंदर पूरी करे। तो ये भर्ती भी जो आने वाली है इसकी जल्दी अभ्यर्थना जारी की जाएगी और नोटिफिकेशन जो है वो आरएसएमएसएस भी जारी करेगा और आरएसएमएस बोर्ड इसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाएगा। इन सभी का जैसा ही नोटिफिकेशन जारी होगा हम सब तो सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर चैनल पर विजिट करने वाले नहीं हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।